नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं बीजेपी नेता की। जी हां, बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया है। क्या बोला है उन्होंने आपको मैं बता दूं। बीते शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा और विजय माल्या, राफेल विमान और नोटबंदी के मुद्दे पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि गली गली में शोर है, देश का चौकीदार चोर है। बता दें, पीएम मोदी ने एक बार अपने आप को देश का चौकीदार बताया था, यही वजह थी कि राहुल गांधी ने यह तंज कसा। अब राजस्थान के एक भाजपा नेता ने इस बयान के लिए राहुल गांधी की खूब आलोचना की। राहुल गांधी के बयान की आलोचना करते हुए भाजपा विधायक भवानी सिंह राजावत ने कहा, देश के प्रधानमंत्री को चोर कहना यह राहुल गांधी की बुद्धि के दिवालियापन का सबूत है। राहुल गांधी को सोचना चाहिए, उनके बाप दादा चोर थे। देखिए किस तरीके से बड़ा पलटवार किया है राजस्थान के नेता भवानी सिंह राजावत ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरीके की बात पीएम मोदी को लेकर की है, इससे कहीं ना कहीं नजर आता है, इससे कहीं ना कहीं समझ में आता है राहुल गांधी का दिमाग दिवालियापन हो गया है, यानी कि राहुल गांधी की मनोस्थिति ठीक नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी के बाप दादा चोर थे। देखिए किस तरीके की बड़ी बात की। और आपको मैं बता दूं, चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, एक दूसरी पार्टी पर तंज कसा जा रहा है, एक दूसरी पार्टी के जो नेता हैं एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमेशा से ये देखने को मिला है कि जब भी चुनावी माहौल आता है, जब भी मंच सज जाते हैं, जब भी चुनाव नजदीक आ जाते हैं, तो ऐसे में आपस में ये राजनीतिक पार्टी के नेता लड़ते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। वहीं जिस तरीके से भवानी की अगर मैं बात करता हूं, भवानी सिंह ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर ये निशाना साधा है, वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं राजस्थान की बात कर लेता हूं, राजस्थान में जल्दी विधानसभा भी चुनाव होने वाले और चुनाव को लेकर वहाँ कांग्रेस काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, काफ़ी तैयारियां कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार राजस्थान में जीत किसकी होगी, राजस्थान में कौन विजेता होगा, वहीं लोकसभा चुनाव में भी कौन विजेता होगा। और अगर हम बात कर रहे हैं चौकीदार की, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी ने खुद को एक बार देश का चौकीदार बताया था और इसी बात को देखते हुए राहुल गांधी ने ये बात कही है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना तो साधा, लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने को मिली, क्या राहुल गांधी के समय भ्रष्टाचार नहीं था, क्या राहुल गांधी के समय घोटाला नहीं हुआ था, क्या राहुल गांधी के समय महिलाओं के साथ छेड़खानी नहीं होती थी। यानी कि यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, केवल और केवल अपना स्वार्थ देखती है और जनता को नहीं देखती, क्योंकि अपना स्वार्थ देखने के लिए, अपना फायदा देखने के लिए वो जनता से वोट वसूलती है, वोट लेती है और अपने जो वायदे वो किए उन्होंने किए होते हैं वो वायदा भूल जाती है। कांग्रेस ने कई वायदे जनता से किए थे, उन वायदों को पूरा नहीं किया। और अगर अब मैं मौजूदा सरकार की बात कर लेता हूं, तो पीएम मोदी ने कई वायदे जनता से किए थे लेकिन वो वायदा उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए, अपना फायदा देखने के लिए राजनीतिक पार्टी जिस तरीके का गेम खेलती है, ये कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए जनता को। जनता को समझना चाहिए कि आखिरकार किसको वोट करें और किसको वोट ना करें। देखिए काफ़ी अगर हम बात करते हैं कि समय बाद, अगर 2014 की मैं बात कर लेता हूं, तो जनता ने बीजेपी को इसलिए वोट किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था मोदी सरकार आएगी तो देश में बड़ा बदलाव होगा, मोदी सरकार आएगी तो बेरोजगार वर्ग के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, हर शख्स के पास रोजगार होगा। और ये उम्मीद जताई थी मोदी सरकार आएगी, सरकारी नौकरियों में, जी हाँ, सरकारी नौकरियों के लिए कह सकते हैं कि फॉर्म निकाले जाएंगे। अगर उनको ऐसा लग रहा था कि मोदी सरकार आएगी तो सरकारी नौकरियों में नए आयाम ढूंढे जाएंगे, किसानों को फायदा होगा, व्यापारी वर्ग के लोगों को फायदा होगा, तमाम वर्ग के लोगों ने कई तरीके के सपने संजोए थे। लेकिन जैसा धीरे धीरे वक्त बदलता चला गया, मोदी सरकार का चेहरा सबके सामने आ गया।
पीएम मोदी ने 2014 में कहा था कि 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अगर आज मैं बात करता हूँ स्थिति यह है कि लगभग 2 लाख लोगों के पास ही रोजगार है। तो ऐसे में उन लोगों का क्या जिनके पास रोजगार नहीं है। जिस तरह से दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा अभी तक देखने को मिला है, उससे लोगों की कमर टूट गई है। क्योंकि एक तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आती हैं कि सरकार ने किस कदर लोगों को परेशान कर रखा है। और अगर आज चुनाव हो जाते हैं, अगर आज स्थिति होती है चुनाव की, तो देखिए ये हम कह सकते हैं कि लोग मोदी सरकार के अगेंस्ट वोट करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने तो अपना वायदा पूरा ही नहीं किया। आपको बता दूं कि सरकारी नौकरियों की बात करता हूं तो लगभग कई लाख पद खाली पड़े हैं। जी हाँ, लगभग कई लाख पद खाली पड़े हैं सरकारी नौकरियों के, जिन पर अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या मोदी सरकार युवा वर्ग के भविष्य, जो युवा वर्ग के लोग हैं जो भविष्य वो अपना संजो रहे हैं, क्या उनके भविष्य को लेकर मोदी सरकार चिंतित नहीं है। जिस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो अदर स्टेट से आते हैं, पढ़ाइयाँ करने आते हैं, जिन्हें जिनका ये सपना होता है कि वो अगर लाखों रुपए अपनी पढ़ाई के पीछे लगाएंगे, अगर वो लाखों रुपए इंस्टीट्यूट में देंगे, पढ़ाइयाँ करेंगे, बुक्स खरीदेंगे, तो उसका बड़ा फ़ायदा उन्हें मिलेगा। वो मेहनत करेंगे और बहुत सारे बच्चे जो हैं, युवा वर्ग के लोग जो हैं, वो सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं और बाकायदा उसके लिए मेहनत करते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन ताज्जुब तो तब होता है जब सरकार फॉर्म ही नहीं निकालती उन पदों पर। तो ऐसे में उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, उन बच्चों का भविष्य कैसे उज्ज्वल होगा, क्या वो बच्चे जो भविष्य अपना देख रहे हैं सरकारी नौकरी पाने का, क्या वो गलत है, क्या जिस उम्मीद में युवा वर्ग के लोगों ने मोदी सरकार को वोट किया था वो क्या गलत था। उन्होंने एक इस उम्मीद में वोट किया था कि मोदी सरकार उनके लिए काम करेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोदी सरकार ने उनके साथ बड़ा धोखा किया है। सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों का मजाक उड़ाया है बीजेपी के कई नेताओं ने। जी हाँ, और आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये देखने को मिला है कि बीजेपी नेताओं ने सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों का जिस तरीके से मजाक उड़ाया, बेरोजगार वर्ग के लोगों का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया, इससे ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आती हैं, ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि सरकार को ना तो बेरोजगार वर्ग के लोगों की चिंता है, ना युवा वर्ग के लोगों की चिंता है, और ना उन लोगों की चिंता है जो सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि कहीं से भी और किसी भी तरीके से वोट आए, सत्ता में दोबारा बैठें और फिर राज करें, लेकिन शायद अब की बार माहौल कुछ और है। 2014 का माहौल कुछ और था और आज का माहौल कुछ और है। आज देश की जनता मोदी सरकार से नाराज है, आज देश की जनता मोदी सरकार को वोट देने के मूड में नहीं है, आज मोदी लहर खत्म हो चुकी है। आज लोग वोटिंग अगर करते हैं, अगर अब की बार लोग वोटिंग करेंगे तो मोदी लहर के नाम पर नहीं, अब की बार लोग वोट करेंगे कि सरकार ने कितना काम किया है। देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं सरकार ने खुद बनाई है, मोदी सरकार इसकी बड़ी जिम्मेवारी है। अगर आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं तो उसमें बड़ी लापरवाही है मोदी सरकार की। आज महंगाई आसमान छू रही है, देश की अर्थव्यवस्था आज गिर रही है, अगर आज रुपये की कीमत गिर रही है तो इसके लिए मोदी सरकार की बड़ी लापरवाही है। अगर सही तरीके से काम किया होता तो आज इस तरह की स्थिति नहीं होती। पीएम मोदी अक्सर या कह सकते हैं कि हमेशा से विदेशी यात्रा पर रहें, पीएम मोदी विदेशी दौरे पर रहें, और उनका यही विदेशी दौरा जनता को पसंद नहीं आया। जनता का ये कहना था कि देश में क्या स्थिति है, इस पर मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और वो विदेशी यात्राएं कर रहे हैं, विदेशी यात्रा करने से उन्हें फुर्सत नहीं है। तो ऐसे में देखिए जिस तरीके से जनता नाराज़ है और विदेशी यात्रा के वजह से भी मोदी सरकार से जनता नाराज़ थी, तो कहीं ना कहीं इन वजहों से अब की बार मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और देखिए अगर वक्त रहते मोदी सरकार ने बेरोजगार वर्ग के लोगों के लिए काम नहीं किया, सरकारी नौकरी जो खाली पड़े हैं पद उनको भरने के लिए काम नहीं किया, युवा वर्ग के लोगों के लिए काम नहीं किया, किसानों के लिए काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसका बड़ा झटका मोदी सरकार को लग सकता है। और अगर अब की बार मोदी सरकार सत्ता से जाती है तो कई सालों के लिए मोदी सरकार सत्ता से दूर हो जाएगी, क्योंकि जनता जिस कदर नाराज है और जनता आज ये देख रही है कि मोदी सरकार ने तो काम नहीं किया, और सबसे बड़ी बात है सरकार ने रोजगार नहीं दिया बल्कि जिनके पास रोजगार था उनका रोजगार भी छीन लिया। जी हाँ,
आपको मैं बता दूं कि जीएसटी आने के बाद से जिस तरीके से देखने को मिला है, बहुत से व्यापारियों ने अपना काम बंद कर दिया, उनका धंधा बंद हो गया, क्योंकि उतना लाभ उन्हें नहीं हो पा रहा, और जो उनके यहाँ वर्कर काम करते थे उन्हें वहाँ से छोड़ना पड़ा, और आज वो रोजगार पाने के लिए भटक रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने रोजगार तो दिया ही नहीं, बल्कि जिनके पास रोजगार था उनके हाथ से भी रोजगार छीन लिया। तो ये है इस सरकार की स्थिति। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर मोदी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया बेरोजगार वर्ग के लोगों के लिए, सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों के लिए, तो मोदी सरकार को बड़ा झटका लगना तय है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।